इसराइल गाजा में हमले जारी रखने की अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन अब उसकी ये जिद उसे महंगी साबित होती दिख रही है। दरअसल अमेरिका समर्थित इसराइल को अब सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि हूती और हिजबुल्ला सहित कई अन्य लड़ाका समूहों के हमलों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि ये प्रतिरोधी या लड़ाका समूह पहले भी इजरायली सैनिकों और सैन्य हथियारों पर हमला करते रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ये थोड़े शांत हो गए थे। अब जब इजरायल ने गाजा में अपनी क्रूरता बढ़ा दी है तो ये लड़ाके एक बार फिर तेजी से सक्रिय हो गए हैं और एक एक कर इजरायली सैनिकों और इजरायली सैन्य हथियारों पर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्ला ने गाजा की जीत के लिए शुक्रवार को इजरायली कब्जे वाले ठिकानों और सैनिकों के खिलाफ लगभग एक दर्जन ऑपरेशन करने की घोषणा की है। घोषणा करने के बाद दोपहर 3:35 पर उसने ऑपरेशन शुरू भी कर दिया और बयाद ब्लीडा साइट पर निगरानी उपकरणों को निशाना बनाया, उनको नष्ट कर दिया। हिजबुल्ला लड़ाकों ने शाम 5:20 पर 2 बुरकान रॉकेट से अल मिल्किया सैन्य स्थल पर सीधा हमला किया। लड़ाका समूह ने कहा कि उसने शाम 5:40 पर मार्गारियट बस्ती में इजरायली सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक इमारत पर भी रॉकेट से हमला कर दिया। शाम को ही किए गए एक अन्य हमले में हिजबुल्ला ने गाइडेड मिसाइलों के साथ शतूला बस्ती में एक मरकवा टैंक को नष्ट कर दिया, जिससे उसके चालक दल की मौत हो गई और कई घायल हो गए। टैंक के नष्ट होने के बाद उसके मलबे के चारों तरफ इजरायली सैनिक घूम रहे थे, उन पर भी हिजबुल्ला लड़ाकों ने गोले दाग दिए। इन्होंने शाम 6:30 डुबे बैरक में गश्ती कंपनी मुख्यालय पर फलक रॉकेट से हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा इजरायल की खुफिया सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मनारा बस्ती में एक इमारत पर भी 6:30 हमला किया गया, इससे निगरानी उपकरण नष्ट हो गए। हिजबुल्ला ने शाम 7:30 इजरायली कब्जे वाले कफर चौबा पहाड़ियों में अल रामथा सैन्य अड्डे पर रॉकेट से हमला किया, जिससे सीधा नुकसान हुआ। हनवे गांव पर इजरायली हमले के जवाब में भी हिजबुल्ला ने विस्फोटक यूएवी का उपयोग करके 2 ऑपरेशन कर लेने की घोषणा की। पहला हमला शाम 6:35 पर किया गया और दूसरा शाम 7:05 पर किया गया। रात 9:30 हिजबुल्ला ने बीट हिलेल में बटालियन 769 के कमांड सेंटर पर फलक रॉकेट से हमला किया। इजरायली मीडिया ने स्वीकार किया कि लेबनान की सीमा के पास शतूला बस्ती पर ड्रोन हमले में 4 इजरायली सैनिक अलग अलग स्तर पर घायल हो गए। हालांकि इन हमलों में हिजबुल्ला के भी 2 लड़ाके मारे गए। हिजबुल्ला ने घोषणा की कि उसके 2 लड़ाके शुक्रवार को अल कुद्स के रास्ते पर अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए। हिजबुल्ला के साथ हूती भी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इजरायली सैनिकों को मारने के साथ ही उनके सैन्य हथियारों को भी नष्ट कर रहा है। इसके अलावा ईरान समर्थित अन्य प्रतिरोधी समूहों ने भी इसराइल को उसकी क्रूरता और नरसंहार का जवाब देने की चेतावनी दी है। माहौल देखते हुए लगता है कि युद्ध बढ़ता जा रहा है और इसराइल पर चौतरफा हमले हो रहे हैं।